नमस्कार श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस कोड CS207 सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज हम बात करेंगे डेटाबेस की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। डोमेन एक एट्रीब्यूट के लिए परमिट की जाने वाली सभी यूनिक वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं। उदाहरण के लिए जेंडर के किसी एक फील्ड डोमेन मेल फीमेल अदर्स हो सकते हैं जहाँ ये तीनों वैल्यूज ही परमिटेड एंट्रीज हैं। रिलेशन एक रिलेशन रोज और टपल्स का कलेक्शन होता है। जॉइन दो या दो से अधिक टेबल्स में डेटा को प्राप्त करना जॉइन कहलाता है। प्रत्येक टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए बिजनेस रूल्स होते हैं। ये बिजनेस रूल्स डेटा कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं टपल्स के बारे में। एक टपल कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन होता है। टपल एक इंस्टेंस के लिए टेबल की एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। एक टपल को हम रो कहते हैं यदि रो यूनिक हो तो, मतलब इसमें एक प्राइमरी की यूनिकनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन और प्राइस दे रखा है, इसमें रो को टपल से और कॉलम में वैल्यूज को डोमेन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन और प्राइस एक एट्रीब्यूट की तरह वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में। किसी रिलेशनल टेबल की प्राइमरी की टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की के टू टाइप्स होते हैं, सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की। प्राइमरी की को डिफाइन करना, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ये सिंगल या मल्टी कॉलम हो सकती है। मल्टी कॉलम प्राइमरी की को हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। कंपोजिट प्राइमरी की में अधिकतम 16 कॉलम्स होते हैं, ये नल वैल्यू को कंटेन नहीं करती है। सिंपल प्राइमरी की, सिंपल प्राइमरी की में केवल एक ही फील्ड होता है या ये एक ही फील्ड से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी एक प्राइमरी की है जिसमें यूनिक आईडीज हैं। फॉर नेम सर नेम सेम हो सकते हैं, बट कॉलम या कस्टमर की आईडी एक प्राइमरी की तरह वर्क करेगी, जिसे हम सिंपल प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की एक से ज्यादा फील्ड से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल सूट हार्ट्स डायमंड्स हार्ट्स क्लब्स पेट्स और वैल्यूज एके थ्री जैक थ्री फाइव। तो दो कॉलम्स को जब ज्वाइन किया तो उससे एक कंपोजिट प्राइमरी की डेवलप हुई। वन इज नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई बट बोथ कंबाइन मेक ए यूनिक वैल्यू। दोनों को मिलाकर जो हमें वैल्यू मिल रही है वह यूनिक वैल्यू है। नंबर ऑफ टाइम्स प्लेट 5 2 3 5 1। सूट और वैल्यू डिफाइन करते हैं कि कंपोजिट की का कॉम्बिनेशन कैसे किया गया है और यूनिक की को कैसे डिफाइन किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए।